मिशन के पूरे बाद आपको इच्छा गंगा का मीठा पानी चाहता है। ये नाले की शक्ल में तो सीवर डालने का काम भी हमने शुरू कर दिया है। 3 साल लगेंगे पूरे इलाके में, गोभी घाट पर हम सीवर प्लांट बना रहे हैं। पूरे इलाके में जलपोर का सीवर का काम शुरू हो गया है, जो 100 करोड़ काम हमारा पूरा होना है। पूरा पूरे इलाके में पूरा सीवर का काम हमने शुरू कर दिया। दूसरा अपोलो रेस्टोर के अंदर न जाने कितने तकरीबन 19,500 लोगों का मैंने इलाज कराया। 23 साल कांग्रेस की सरकार रही, 23 साल कांग्रेस की सरकार रही, एक भी आदमी बता सकता कि किसी हरी बात का इन्होंने इलाज किया। आप लोग सब राशन की दुकान पर जाते हैं, पहले राशन की दुकान पर राशन नहीं मिलता था, महीने में एक भी मिलता था। अब एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास राशन कार्ड हो और उसे राशन न मिलता है। कोई आदमी ऐसा नहीं, एक भी आदमी नहीं मिलेगा इसके कारण। तो इस सरकार ने आपको दिया ही है, मेरा कुछ नहीं है। मैं दिल्ली बोर्ड का चेयरमैन हूँ, न जाने कितने लोगों की मैं मदद करता हूँ। कोई शादी के लिए मेरे पास आ जाता है, कोई इलाज के लिए मेरे पास आ जाता है, कोई अस्पताल के लिए मेरे पास आ जाता है, किसी के बच्चे की फीस जमा नहीं हो रही वो मेरे पास आ जाता है। हम सब लोगों के काम है। एनआरसी के मुद्दे जो पहला प्रोसेस हुआ था, वहां जितने लोग गिरफ्तार हुए थे सब प्रॉफ पता करना है, सबका घरों में अस्पताल अभी तक की गिरफ्तारी नहीं हुई। एक ही दिन जब से ट्वीट कराया हूँ, किसी एक दिन कंस्ट्रक्शन का काम बंद नहीं हुआ, मटेरियल का काम बंद नहीं हुआ। जब कांग्रेस की हुकूमत थे तो आए दिन कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद होता था, मटेरियल का काम भी बंद होता था। यहाँ पर आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तारियां भी होती थी। पटना और सरगांव पर भी उन्हीं के टाइम में हुआ, बुरादी रोड एनकाउंटर पर भी उन्हीं के टाइम में हुआ। हमारे टाइम में क्या हुआ कि हमने आपका मॉरल इतना दिया कि आज आप पूरे हिंदुस्तान की नया रूप में एक वोट आपने हमें दिया था, उसके बदले में कितनी चीजें आम आदमी पार्टी की सरकार ने आप लोगों को दी। आप लोग एक स्कूल जो जोगबाई में चलता था उसको बदल करके ये फ्रेंड्स कॉलोनी में एक बेहतरीन स्कूल हमने आपका बना दिया। मेरे दोनों बच्चे सरकारी योगाबाई के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, आपके बच्चे कितने सरकार ने आपको दिया कुछ नहीं, एक मौका अब आपके पास आया है और का आपको एहसान चुकाना है। दिल्ली के बदले का मोहल्ला क्लिनिक का अपोलो हॉस्पिटल की जरूरत कैटेगरी में जो हम लोग हॉस्पिटल में स्कूल में काम होता है उनका बदला आपको चुकाना, जो भी घंटे आपको लाइट मिल रही है, जो 200 यूनिट फ्री मिल रहा है उसका आपको एहसास उठाना है। अरविंद केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है पूरे हिंदुस्तान में जो ये कहता है कि अगर आपको लगता है मैंने आपके काम किए तो आप वोट दो, अगर आपको लगता है मैंने काम नहीं किए तो आप वोट कर दो। हमने कहा कि शाहीनबाग का प्रोफेसर जब तक चलेगा ना तो हम कोई पद यात्रा करेंगे, ना कोई बाइक रैली करेंगे, ना कोई जलसा किसी गली में किसी समस्या में करेंगे। अपना 4 आदमी साथ लेकर जाता काम ऑफिस से पटना चौक पर जो बड़ा ऑफिस हम खोल रहे थे अब वो भी ऑफिस हम देख लो। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जो ये पटना हाउस जो चाहते हैं और शाहीनबाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा है मेरी राजनीति के फायदा उठाने की खातिर मैं उसको खराब करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। राजनीति हम जीते हारे लेकिन